डॉक्टर वर्षा रानी खाद्य एवं पोषण विभाग की गृह विज्ञान महाविद्यालय के खाद्य एवं पोषण विभाग से आज किसान बाण भाइयों के समक्ष अपने खान पान संबंधित आवश्यक जानकारियां साझा करूंगी। किसान बाण भाइयों, हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले सर्वेक्षणों में ये सामने आया है कि हमारी 60% महिलाएँ, 50% किशोरियाँ और 50% बच्चे लोहे की कमी यानी आयरन अनीमिया से ग्रस्त हैं और 100 में से 25 महिलाएं, वयस्क महिलाएं और 100 में से 50 बच्चे ऊर्जा और प्रोटीन की कुपोषण से ग्रस्त हैं। खाद्य एवं पोषण विभाग में समय समय पर इन सभी कुपोषण संबंधी समस्याओं का निदान पाने के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट में शोध किए जाते हैं। हमारे विभाग की प्राध्यापिकाएं और जो PhD MSc की छात्राएं हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में और आसपास वाले क्षेत्रों में लोगों को जाकर खान पान संबंधी सलाहें देती हैं और उनको जागरूक करती हैं कि कैसे हम जो अवेलेबल, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे सीमित संसाधन हैं, उन्हीं में रहकर हम कैसे अपने खान पान को उचित उत्तम बना सकते हैं और उनसे जो प्रॉब्लम होती हैं, जो कुपोषण की समस्याएं हैं जो खान पान की वजह से होती हैं, कैसे उनसे निपटारा पा सकते हैं। हमारे खाद्य एवं पोषण विभाग में स्थानीय रूप से उपलब्ध पदार्थों जैसे मरुआ, तुलसी, करी पत्ता और बाजरा, ज्वार, विभिन्न प्रकार की दालें, सिंघाड़ा, अलसी, मशरूम, जो आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं, उनमें जो गुणवत्ता है, पौष्टिक गुणवत्ता है, अच्छे खनिज लवण हैं, अच्छे विटामिन हैं, उनको प्रयोग करके जो आमतौर पे खाए जाने वाले पदार्थ हैं उनका मूल्य संवर्धन करने जैसी शोध हमारे डिपार्टमेंट में होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के बिस्किट्स, दलिया जैसे आमतौर पर सिर्फ गेहूँ से बनाया जाता है, लेकिन इस गेहूँ के साथ साथ बाजरा रागी डिफरेंट प्रकार की दालें, ज्वार को मिश्रण करके, अलसी का मिश्रण करके ये उत्तम प्रकार का दलिया, उत्तम प्रकार के बिस्किट्स, उत्तम प्रकार की सेव, मट्ठी जो आम तौर पर हम खाते हैं, सुहाली, रोटी, उन सब का मूल्य संवर्धन किया गया है सीमित संसाधनों जो अवेलेबल हैं, जो हमारे सीमित संसाधन हैं और जो हमारे स्थानीय जो स्रोत हैं उनका मिश्रण करके ये पदार्थ बनाए गए हैं। हमारे विभाग में लोगों को इन चीज़ों मूल्य संबंधित पदार्थों का व्यावसायीकरण से संबंधित भी जानकारियां दी जाती हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण हम करते हैं लोगों के लिए ताकि विभिन्न जिलों से लोग यहाँ आ सकें और मूल्य संबंधित पदार्थों को बनाना सीख सकें। इसके अलावा विभाग में न्यूट्रिशन काउंसलिंग की कैसे लोगों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जाए वो सलाहें दी जाती हैं, उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपके बीच में साझा करूँगी। लोगों को अधिक से अधिक मोटे अनाज, मिश्रित अनाज, मिले जुले अनाजों का सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चारों समय हमें गेहूं का ही जो है हम आटा खाते रहें, हमें अपने आहार में ज्वार, बाजरा ये सब सम्मिलित करने चाहिए, क्योंकि ग्लूटेन सेंसिटिविटी जो आज एक उभर कर समस्या हमारे सामने आ रही है कि ज़्यादा गेहूँ खाने की वजह से या अधिक शीघ्र अवस्था में गेहूँ का सेवन करने की वजह से जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी अनाज, मोटे अनाज और मिले जुले अनाजों का सेवन करें, दालें भिगोकर और अंकुरित करके खाएं और मौसमी फल और सब्जियां जरूर खाएं। हफ्ते में, सप्ताह में 3 बार मौसमी फल जैसे अमरूद, बेर और किन्नू का सेवन अवश्य करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अवश्य करें। यहां बात आती है गृह वाटिका की। गृह विज्ञान महाविद्यालय में और खाद्य एवं पोषण विभाग में ये शोध किया गया है कि महिलाएं अगर अपने घरों में जो एक क्यारी, एक छोटी सी क्यारी बनाकर या अपने घेर में या अपने खेत में एक छोटी सी क्यारी बनाकर उसमें पालक, तुलसी, मरुआ, करी पत्ता, हरी प्याज जैसी चीज़ें अगर उगा सके तो वो उनके पोषण स्तर को ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा कार्यकारी सिद्ध हुई हैं। तो ऐसा मेरी बहनों से अनुरोध रहेगा कि वो गृह वाटिका अपने घरों में ज़रूर लगाएं और ये जो औषधीय पौधे हैं, मरुआ, करी पत्ता, तुलसी, हरा प्याज, पालक, इस तरीके की चीज़ों का सेवन अपने आमतौर की ज़िंदगी में, आमतौर के आहार में, अपने दैनिक आहार में अवश्य शामिल करें। अब मैं अनुरोध करूंगी मेरे विभाग की डॉक्टर वीनू सांगवान से कि वो आगे बाजरा के मूल्य संवर्धन पे और उसके व्यवसायीकरण पे, क्योंकि बाजरा हमारी स्थानीय फसल है और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान भाई हैं वो बाजरा उगाते हैं और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि बाजरा के आटे को अधिक समय तक हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, वो ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए मैं अपनी किसान बहन भाइयों को बताना चाहूँगी कि बाजरा को उबलते पानी में डाल के और तुरंत ठंडे पानी में डालकर धूप में सिखा कर पीसने से जो आटा बनता है
है उसको वो ज़्यादा समय तक चला सकते हैं। और मेरी सहयोगी बताएंगी आगे आपको कि कैसे बाजरा का, बाजरा के ऊपर हमारे यहाँ शोध चल रहा है और आगे बाजरा के व्यवसायीकरण पे वो आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगी। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर वीनू सांगवान खाद्य एवं पोषण विभाग से हूँ। आज मैं आपको बाजरा व उससे बनने वाले खाद्य पदार्थों के पौष्टिक गुणों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि बाजरा हमारा एक लोकली अवेलेबल खान पान में आता है और ये बहुत ही पौष्टिक मोटा अनाज इसको हम कहते हैं। इसे हम पौष्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ना केवल प्रोटीन, ऊर्जा जिसको हम कार्बोहाइड्रेट है, इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन, मिनरल, ख़ास तौर से कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सब पाए जाते हैं। और अब क्योंकि नई नई किस्मों का भी विकसित हो रही हैं तो जैसे बायो फोर्टिफाइड वैरायटी आ रही हैं बाजरे की, ख़ास तौर से HHB299, HC20, ये सभी में आयरन और जिंक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे जो बच्चियाँ हैं और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो इनका सेवन करें बाजरा और उससे बनने वाले खाद्य पदार्थों का, तो उनके अंदर आयरन की कमी जो कि लोह तत्व होता है उसकी कमी दूर होगी और वो अनीमिया जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है उससे वो बच सकती हैं। इसके अलावा अगर जैसे हम घरों के अंदर बाजरे से ज़्यादातर रोटी बनाते हैं, दलिया बना लेते हैं, राबड़ी बनाते हैं, लेकिन जो हमारा खाद्य एवं पोषण विभाग है उसके अंदर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बाजरे से बनने वाले खाद्य पदार्थ हमने बनाए हैं, जैसे कि केक, बिस्किट, बंस, विभिन्न प्रकार के काजू के बिस्किट बनाए गए हैं, और जैसे सेब होता है जो कि भुजिया की तरह ही नमकीन बनता है। बाजरे के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैदा से जो बनने वाली चीज़ें हैं उनमें अगर हम कुछ मात्रा में बाजरा मिला के अगर हम बनाते हैं तो उन जो खाने की जो चीज़ें हैं जो खाली मैदा से बनती हैं उनकी पौष्टिकता को बाजरे का जो आटा है वो बढ़ा देता है। बाजरा अपने आप में बहुत ही लाभदायक है, काफ़ी उससे हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है, क्योंकि बाजरा की खास बात यह होती है कि इसके अंदर मोटा अनाज पाया जाता है, और मोटा अनाज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर काफ़ी मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है और जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब वो धीरे धीरे हमारा शरीर उसको हजम करता है, और जब वो धीरे धीरे हजम होता है तो हमारे शरीर को धीरे धीरे उसमें से ग्लूकोज मिलता है। तो बाजरा जो लोग खाते हैं उन लोगों को कोई दिल की बीमारी, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, कैंसर, कब्ज और विभिन्न प्रकार की दूसरी बीमारियों से बाजरा जो है वो हमें बचाता है। तो बाजरा जो है जिसको हम लोग धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, हमें बाजरा का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे ना केवल हमारे को स्वास्थ्य लाभ होगा बल्कि अगर हम ज़्यादा बाजरा उगाएंगे और इसके ऊपर अगर व्यवसायीकरण, अगर इससे और इससे बनने वाले खाद्य पदार्थों का अगर व्यवसायीकरण भी हम करेंगे तो बाजरा की डिमांड जो है वो हमारे प्रदेश में बढ़ेगी, देश में बढ़ेगी, और इससे जो है हम जितने भी किसान भाई हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको अधिक जो है उसका संवर्धन मूल्य और भी अधिक वो पा सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की जब डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी अपने आप ही उसकी कीमत बढ़ जाती है, मूल्य संवर्धन उसका हो जाता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे जो खाद्य एवं पोषण विभाग के अंदर जब भी हम एक किसान मेला करते हैं तो हम अपने सारे जो उत्पाद हैं जो बनाते हैं बाजरा से बनने वाले उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बाजरा से बिस्किट हैं, केक है, तो मेरी यही सलाह है सभी को कि सबको बाजरा जो है उसका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि हम सभी स्वस्थ रहें।